नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। बिहार में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, जिसमें दो कांग्रेस और दो राजद के नेता कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की सक्रियता काफी बढ़ गई है। वहीं शुक्रवार को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तीनों की मुलाकात एक बंद कमरे में हुई, जो काफी लंबे समय तक चली। तीनों की मुलाकात की वजह क्या रही, अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट में अपनी भागीदारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने अपना पक्ष रखा था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास भी कल बिहार दौरे पर थे। उनके आगमन के बाद एक कयास लगाया जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। भक्त चरण दास प्रदेश प्रभारी सदाकत आश्रम में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौट गए। दिल्ली वापस लौटने से पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से नहीं हुई और ना ही मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा। मैं तो कांग्रेस द्वारा आयोजित मछुआरा सम्मेलन में शामिल होने आया था, ना कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने, और ना ही नीतीश कुमार से मिलने का कोई प्लान है। शुक्रवार को मैंने नीतीश कुमार को फोन कर उनका हाल चाल जाना था, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई बात नहीं हुई। इस दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि उनके कोटे से कौन नए मंत्री बनेंगे, अभी तक बस मोटा मोटी तय हुआ है। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।